किस किस का नाम लूँ यार, तो बैटिंग हमारे खत्म होने वाली है, बहुत लंबी बैटिंग है, कोई ना कोई मारेगा इंशाल्लाह इस साल 6 छक्के मारेगा। हमारे माइंड में ऐसा बिल्कुल नहीं था, हमारे माइंड में था कि हम 10 विकेटों से मैच जीते, जैसे कि लास्ट मैच में एक अगला मैच हमारा जुबली ग्रीन के साथ है, तो कोशिश करेंगे उनके खिलाफ भी 150। टारगेट तो 120 तक था, लेकिन 150 प्लस बना, जैसे 150 क्रॉस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, GBSL कैप्टन कॉर्नर के साथ बशीर आजमी हाजिर खिदमत है। मेरे साथ इस वक्त आज के विनर कैप्टन शेरुल्ला बेग और मोन अली मौजूद हैं। आइए हम इनसे आज के मैच के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, आप दोनों ने आउट स्टैंडिंग जो ना विन किया है, दोनों टीमों को आउट क्लास कर दिया, क्या कहेंगे शेरुल्ला भाई आप? थैंक यू सो मच बशीर भाई। जो जिसके अपोजिट हम मैच खेले थे वो लास्ट सीजन का वो फाइनल विनर था, डिफाई चैंपियन थी, तो हमारी कोशिश थी कि कुछ बड़े टारगेट से हम हराएं ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा और बिल्डअप हो जाए, तो उस हिसाब से हमने अपना जो स्ट्रेटजी बनाया था और खेला अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें हम सक्सेसफुल रहे बशीर भाई। अच्छा शेरुल्ला भाई, और पिछले दफा भी आपने माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग, आपने ओपनिंग स्टैंड था आप लोगों का, और इस दफा भी आप लोगों के जो ना बेहतरीन, आप और इमरान ने जो ना शराकत दारी बेहतरीन, 90+ आप लोगों ने जो ना और ओपनिंग पार्टनरशिप बनाया, तो आप क्या कहेंगे इसको, आप अगले मैचों के लिए आप कंटिन्यू करेंगे? देखिए बशीर भाई, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि हमारी जो बैटिंग है बहुत डीप तक है, तो हमें कोई बैटिंग का प्रेशर नहीं है, तो हम ओपन माइंड खेल रहे हैं। मुझे पता है कि शेरुल्ला आउट होगा तो पीछे दूसरा शेरुल्ला है, तीसरा है, चौथा है, मीन्स उसे कि हमारे पास इतनी बैटिंग है कि हमें हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, और हम ओपन माइंड बिल्कुल खुल के हम अपने गेम खेले, जो हमारा नेचुरल गेम है, हम उसको हम एंटरटेन करें और एंजॉय करें उसको। अच्छा शेरुल्ला भाई, आज इससे पहले खेले गए मैच में बिन्यामीन ने 1 ओवर में 5 छक्के और चौका मारा था, ठीक है ना, तो आज आप और इमरान दोनों को उसके जो ना रिकॉर्ड को ब्रेक करने का अच्छा जो ना चांसेस था, क्योंकि आपने 1 ओवर में 3 छक्के आपने भी मारा था और इमरान ने 4 छक्के मारा था, क्या आपके जहन में था कि इसको इस रिकॉर्ड को आप ब्रेक करें? नहीं नहीं बशीर भाई, हमारे माइंड में ऐसा बिल्कुल नहीं था, हमारे माइंड में था कि हम 10 विकेटों से मैच जीते, जैसे कि लास्ट मैच में 9 विकेटों से जीते थे, हमारा टारगेट था बिल्कुल, हमने अपना एवरेज थोड़ा हमने बराबर करना था, 5-6 छक्के मारने करने थे, लेकिन टूर्नामेंट बहुत वसी है, तो आगे किसी न किसी मैच में इंशाल्लाह शेरुल्ला, इमरान नहीं तो दूसरा इमरान आएगा, पीछे बेग है, रहमत है, मैं किस किस का नाम लूँ यार, तो बैटिंग हमारे खत्म होने वाली है, बहुत लंबी बैटिंग है, कोई ना कोई मारेगा इंशाल्लाह इस साल 6 छक्के मारेगा कोई ना कोई इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक अपकमिंग मैचेस के लिए। मनोहर भाई सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोगों ने एक बेहतरीन अचानक विन किया है, तो क्या कहेंगे इस जीत के बारे में? इस जीत के बारे में मैन जो वो जाता है वो बिन्यामीन को जाता है, इसकी बैटिंग बहुत अच्छी थी आज, तो हमें तो मौका ही नहीं मिला, बाकी हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा टीम बहुत मजबूत है, तो कोई शक नहीं है, छः सात अच्छे ही बैट्समैन खेल रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगले मैचों में भी कंटिन्यू करने। अच्छा बिन्यामीन ने जो ना माशाल्लाह आज दूसरे टीमों को खतरे की घंटी बचाया है, जिस तरह शेरुल्ला और इमरान ऑलरेडी जो ना अलर्ट है दूसरे टीम, और बिन्यामीन ने भी वास्ते बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, 1 ओवर में उन्होंने 6 छक्के मारा है, तो आपके हिसाब से वो स्कोर इनफ था या आप लोगों का 20-30 रन कम हुआ आप लोगों का? नहीं नहीं, हमारा टारगेट तो 120 तक था, लेकिन 150 प्लस बना, जैसे 150 क्रॉस कर गए, तो हमारा टारगेट तो 120 तक था, 120 से ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगले मैच हमारा जुबली ग्रीन के साथ है, तो कोशिश करेंगे उनके खिलाफ भी 150 से वो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले आप GB ट्रू न्यूज HD को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके।